लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हरी मिर्चियाँ फ्रेश है, ले लें क्या? हाँ फ्रेश है पिताजी, पर पहले बंद गोभी लेते हैं। क्यों माँ जी, बंद गोभी कैसे दिया? 10 रुपए का एक बाबूजी। अच्छा, ले लें क्या? हाँ ले लेते हैं पिताजी। हाँ, क्या एक काफी है? नहीं, और एक लेते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? चलो आगे चलते हैं। क्यों भाई, ये सब्जी कैसी थी? 5 रुपए का पाव किलो। पिताजी करेले से बैंगन ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। चलो घर चलते हैं, अभी तो बहुत सारी सब्जियां खरीदी। वो सब बाद में ले लेंगे, पहले चलो। लेकिन हुआ क्या है? तुम एक ऑटो लेकर सीधे घर जाओ, मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पकड़ो रे उसे। चेरला नागराजू गांव, उस गौड के चंगुल से बच सकता है मगर इस गौड के चंगुल से कोई नहीं बच सकता। तो खुद को मुख्यमंत्री समझता है या आतंकवादी समझता है? अरे तू तो एक मामूली जर्नलिस्ट है, हाथ में कलम है तो एमएलए के बारे में अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेगा हा? मंत्री बनने के लिए मैं गॉड गॉड से प्रार्थना करता हूँ और तू मेरे खिलाफ, गाउड के खिलाफ बैड बैड लिखता है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ। कलम से तलवार बहुत ताकतवर होती है। गॉड, ओ माय गॉड, इस पे गाउड बहुत नाराज है, क्या करूं बताओ? क्या कहा? आपके पास भेज दूं तो आप देख लेंगे। भेज दूंगा। इस लाश को ले जाके उसके घर में फेंक दो। पिताजी, ये क्या हो गया? पिताजी, देखो आपका बेटा आया है। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। आपका बेटा आया है। ये क्या हो गया? पिताजी उठिए। बेटा, चाचा जी, बोलिए, बोलिए, किसने मारा? किसने मारा पिताजी को? आप बोलते क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, एमएलए गौड। दो बार तुम्हारे ही वोटों से जीता है ना, गौड ने उसी का तोहफा दिया है। कार्ड दिया उसने, कार्ड दिया तेरे बाप को, उसकी उसकी ईमानदारी और वफादारी को काट दिया बाजार में। तेरे साथ कोई हो ना हो, मैं हूँ तेरे साथ। चल, इसे भड़काओ मत, माहौल का फायदा उठा के इसे भड़काने की कोशिश मत करो, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। तुम लोग जी नहीं रहे हो, मर रहे हो। पिता की मौत और बहनों की इज्जत लूट जाएगी ना, क्या तब भी तुम ऐसे देखते रहोगे नामर्दों की तरह? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू चला जा यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। अगर तू इसी बाप की औलाद है तो चल मेरे साथ। पिताजी,
वो मौके का फायदा उठाकर तुम्हें भड़का रहा है। उसकी बातों में मत आओ, मत आओ। मैं आप लोगों की तरह बुजदिलों के जैसे नहीं जी सकता। जीत गया तो सिंहासन, नहीं तो कब्रस्तान। हेलो। 100 कुत्ते मिलकर भी इस शेर का शिकार नहीं कर सकते। मुंबई हो या नाशे, नागपुर या कोल्हापुर, लालबाग या अलीबाग, हर जगह एक ही नाम, पति जगपति। ये सब उस कुंकुमैया ने करवाया है। पता है आपको, पता है। और आप सिर्फ हाँ बोलो, उसे लाकर आपके पैरों में डाल दूंगा। नहीं, राजनीति में ये सब मामूली बातें हैं। ध्यान से नहीं खेला तो सब कुछ हार जाएंगे। कभी कभी तलवार घुसने से ही बॉडी चार्ज होती है। ऐसे छोड़ दिया तो कल उठ के वो फिर कुछ करेगा। मेरे साथ तू है गॉड, आप भी हो। सबसे बढ़कर मेरा बच्चा जगपति मेरे साथ है। इसके होते हुए यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। आपने खामखा उसे सर पर चढ़ा रखा है। उससे तुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो मामूली आदमी नहीं है। सुनो, आज मेरे पास जो भी है, हर बिजनेस में आने वाला मुनाफा
उसी की वजह से है। अरे 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 आजा आजा मेरी गुड़िया रानी। सुन रहे इधर आ। कैसी हो? नमस्ते पिताजी। हाँ, दामाद जी, मैंने सुना है कि आजकल आप बाहर ज्यादा ही घूम रहे हो। वो सब छोड़ के मेरी नाती के साथ एक अच्छा सा नाता भी दे दो, समझे क्या? आप तो उसी काम में लग जाइए, जाइए जाइए, बच्ची मेरे पास रहने दो। कॉफी लीजिए। रवि, ए रवि, रुक जा। क्या ये मुझसे बात नहीं करेगा? आप भी ना छोड़िए उसे। 3 साल से देख रहा हूँ, वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरा कहना भी नहीं मानता है। मैं उसका दुश्मन हूँ क्या? किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब? उसके लिए ही ना। अगर उसके लिए कर रहे तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? ताड़ी के मटके से लेकर करोड़पति होने तक आज MLA हूँ, कल CM बन जाऊंगा। ऐसे काम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और तू मुझे ये सब छोड़ने के लिए कह रही है? क्या सही है और क्या गलत है वो तू मुझे बताएगी? दोबारा मुझे सलाह देने की कोशिश की तो तेरी जगह किसी और को इस घर में ले आऊंगा। चल हट। ए, रुक जा। ब्रेक है क्या? है मैडम। घंटी है क्या? है मैडम। और लाइसेंस है क्या? साइकिल के लिए लाइसेंस क्यों मैडम? कल से ही नया रूल निकला है, चुपचाप 50 रुपए फाइन भर। मेरे पास उतना पैसा नहीं है। कितना है? 20 रुपया है, ले लीजिए मैडम। मुझे सिर्फ एक ही शब्द से नफरत है और वो है रिश्वत। इसे मैं हाथ नहीं लगाती, जेब में रख दे। अब निकल, चल। ओके मैडम। क्या? मेरे पास लाइसेंस नहीं है मैडम। अच्छा, तो तू भी फाइन भर। हाँ। एक जेब में एक ही नोट जाएगा। मेरे पास 2 नोट है, दोनों में एक एक रख दूं मैडम? हाँ, रख दे। थैंक यू मैडम। बड़ा भोला है। मैं कब तेरी बाहों में आऊंगी, कब तेरी हो जाऊंगी जगपति? मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ। मेरा बाप आदमी नहीं, शैतान है। तुम्हारे पिताजी का नहीं, वो बहुत सारे लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। ऐसे आदमी को अपना पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। ललिता, इन सब से दूर कहीं भाग चलते हैं, शादी करके खुशी से रहते हैं। मेरा यकीन करो, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ उसे समझो प्लीज। ललिता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी भी तो मजबूरी। तेरी तो प्यार व्यार का लफड़ा है क्या? तुझे से क्या? ए, हमारा प्यार ऐसा नहीं है। ए, 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 तू चोरों का राजा और ये रूप की रानी, अनिल कपूर श्री देवी। ए, तेरे बाप को पता चलेगा ना तो तेरे को ठोक डालेगा। गौड़ की बहू बनना चाहती है तू, 12 के भाव में जाएगी। ए, बात सुन, प्यार व्यार का बोल बचन देके इसके पीछे पड़ी ना तो मार डालूंगा। चलो कमती हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। ए, नहीं जाओगे तो ऊपर की टिकट कटवा दूंगा। हाँ ठीक है, चल निकल, भाग जा। Hey! भाई थोड़ा लेट हो गया भाई, मैं शाम मारो मत। लेट हुआ ना इसीलिए तेरे को दे डाला। hey! जगपति, पंगा लिया तो मर जाएगा, कुत्ते की औलाद। अबे बिछड़े, मरेगा तो मरेगा, मरेगा, मार डालूंगा तेरे को। मार डाल मुझे। अरे गौड़ जैसे शैतान को खत्म करने के लिए उसके टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों को भी मार देना चाहिए। Thank you.
गया सर, गया सर। बोला था, इसको बोला था कि मेरे से पंगा मत ले, लेकिन नहीं सुना। मारा के भाव में गया सर। जगपति के मुंह लगा था साला, इसीलिए गया। नहीं सुना ना, अब भुगत अपनी गलती की सजा। चला गया, चला गया। क्यों क्यों क्यों? मुरारी भैया, येड़ा येड़ा कितना समझा मुरारी। मैंने कहा था ना उसे दुश्मनी नहीं करने को। चल गया था तू। ए रुक जा, क्यों मारा उसे? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ। मेरे परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा? बोल क्यों मारा उसे तूने? क्यों मारा उसे? देख उसे देख, बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा। ये माँ की बद्दुआ है तुझे, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे हाथ पैर कट जाएंगे। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? उसे क्यों मारा? उसे क्यों मारा तूने? उसने क्या बिगाड़ा था? देख उसका चेहरा, देख देख। उसे देखकर तुझे जरा भी रहम नहीं आया? तू मिट्टी में मिल जाएगा। ये क्या, ये हो क्या रहा है? ये गांव है या कसाई खाना? दिन दहाड़े किसी की हत्या करके वो जा रहा है और तुम सबके सब जिंदा लाशों की तरह खड़े हो। तुम इंसान हो या शैतान? इस गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? पुलिस वाले नहीं है? आप में हिम्मत नहीं है तो मैं रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ। बताओ कहाँ है पुलिस स्टेशन? कौन है यहाँ का इंस्पेक्टर? बताओ। क्या बताऊँ साहब आपको, ये खून करके जो जा रहा है ना, वही यहाँ का इंस्पेक्टर है। मर गया, नसीब उसका। है वाले आए। अरे वाह, बकरा मिल गया। क्या रे, जान लेगा? अंधा है क्या? ए कौन है रे तू? मेरी कार के नीचे आके देख, कहीं कार डैमेज तो नहीं हुई है? बाहर निकल, पहले उतर। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों रे? हाँ उतरा। चलाते वक्त तेरी कार हिल क्यों रही थी ये बता? वो कार नहीं, मेरे हाथ हिल रहे थे। क्यों, तू कोई डांस मास्टर है? नहीं, मैं ड्रिंक मास्टर हूँ। क्वार्टर पिला, हाथ हिलना बंद हो जाएगा। तो हिलते हिलते जो बीच में आएगा उसको ठोक देगा। हाँ। लोगों की जान बचाने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ेगी। दो घंटे से ढूंढ रहा हूँ। इस गांव में कोई वाइन शॉप नहीं है क्या? गांव है या रेगिस्तान? इस गांव में नया लगता है, यहाँ शराब नहीं मिलती। क्यों, यहाँ कोई पीता नहीं है क्या? पागल कहीं का, हॉस्पिटल के बिना गाँव हो सकता है मगर वाइन शॉप के बिना गाँव नहीं हो सकता। तो फिर बता शराब कहाँ मिलेगी? बाहर शराब बेचेंगे ना तो हमारे साहब ठोक देंगे। तो फिर अंदर बेचो। चल तुझे अंदर दिलाता हूँ मैं। नहीं, अंदर लेकर क्या करोगे? अरे छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ शराब मिलेगी ना? चल यहाँ बैठ, जो पीना चाहता है पी, अभी ऑर्डर कर। आराम से बैठ के जितना चाहिए उतना पीजिए आप। अरे बाबा, कंपनी के बगैर मैं तो पानी भी नहीं पीता हूँ। अभी पीना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे मत कहो, हर पे का 100 रुपया दूंगा। 1000 रुपया मुझे, अब मैं ले लूंगा। अरे स्वामी जल्दी लेकर। कंपनी अच्छी हो ना तो दारू ज्यादा काम करती है। मैं 10 पैक मारूं तो भी हिलता नहीं। लेकिन आपके हाथ तो कांप रहे हैं। अभी मैंने पिया कहा है। तो ये लो पियो। देखा हाथ हिलना कैसे बंद हो गया? हमने अपना ग्लास भरा भी नहीं, तूने अपना घटक लिया। मैं ऐसा ही हूँ, दूध की बोतल में बियर पीना शुरू कर दिया और चड्डी पहनते ही लिकर पीना शुरू कर दिया। मैं पक्का जेंटलमैन हूँ, कितना भी पीऊँ मेरा कोट खराब नहीं होगा, बाल भी नहीं बिखरेंगे। पहनी है क्या? अरे खींच के देख लो। अच्छा ये बताओ कि आप खाली समय में करते क्या हो? क्रिकेटर हूँ। क्रिकेटर? नहीं, बनना चाहता था। किसी ऐरे गहरे की बॉल क्यों खेलूं, इसलिए छोड़ दिया। नहीं वो बात नहीं है, मुझे ये जानना है कि आप खाली समय में करते क्या हो? सिनेमा एक्टर। सिनेमा एक्टर बनना चाहता था मगर ऐरे गहरे डायरेक्टर के साथ क्यों काम करूं, इसलिए छोड़ दिया। हाँ भाई, सच सच कि तुम खाली समय में करते क्या? एमएलए। एमएलए किसी ऐरे गहरे के वोट से क्यों जीतो, इसे छोड़ दिया। शायद इसे ईगो प्रॉब्लम है। वो बात नहीं है, ये बताओ कि इस वक्त टेबल पर बैठकर क्या कर रहे हो तुम? अंधा हो गया क्या? पी रहा हूं ना। तो ये पैक किसी ऐरे गहरे ने बनाया ये सोचकर छोड़ दो।
दारू के बारे में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मतलब दारू नहीं छोड़ सकते। अच्छा आपकी शादी तो हो गई है ना? शादी बेवकूफ लोग करते हैं। इसकी हुई है। पता है? अच्छा बताओ दूध चाहिए तो तुम क्या करते हो? जाकर दूध का पैकेट खरीदता हूँ। बराबर भैंस नहीं खरीदते ना? इसलिए मैं वन नाइट शादी करता हूँ। दूध के लिए वन नाइट शादी क्यों? दूध नहीं रे फूल, बीवी। क्या? रात को शादी सवेरे तलाक। अच्छा स्टाइल है। स्टाइल नहीं रे फूल, पक्का जेंटलमैन। वो तो दिख रहा है। कितना भी पीऊं तो हिलता नहीं हूं। स्टाइल देखो। भाई ने कोट निकाला तो स्टाइल, भाई ने टाई निकाला तो स्टाइल, भाई ने डांस किया तो स्टाइल, पैंट निकाला तो स्टाइल, स्टाइल 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 स्टाइल। सुपर फिगर है, मुझे ये चाहिए। ए, कपड़े पे मत जा, लेडी कॉन्स्टेबल है वो। अरे कोई भी कपड़े पहने दो, लेडी है ना। अबे सारे अरे वो कैसी भी हो, 10,000 या 15,000 कोई बात नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसा लग रहा है मैं बादल पर बैठा हूँ। इसे आसमान की सैर करो जरा। चलो देख लेता हूँ। हेलो। Yes. हाँ जी, मेरा नाम लावण्या है। ओह लावण्या, तो आप ही ने फोन किया था कल ट्रांसफर के बारे में, है ना? जी जी। वेरी गुड। ये जॉइनिंग लेटर है। श्री राम जरा ये देखिए। सुनो बेटी, यहाँ क्वार्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा फोन आते ही मैंने अपने घर के करीब एक कमरा देख रखा है, तुम्हें पसंद आया तो रह सकती हो। थैंक यू सर। माँ ये टैबलेट ले लो। नहीं चाहिए, अब जी कर क्या करना है मुझे। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, हाय, कैसी हैं आप? हाय, ये इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? चलिए हाथ दिखाइए। पीपी तो ठीक है, चलिए आंखें दिखाइए। आंखें भी ठीक है। अच्छा ठीक है, जरा आप खोलिए, वो खोलिए। हाँ लीजिए, अब पानी पीजिए। अरे ये क्या कर दिया आंटी, इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जैसे कि घर में कोई हो ही ना। हाँ ये नाराज नहीं हो जाएंगे? बेटी तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? अरे हाँ, मैंने तो बताया ही नहीं। इस लड़की का नाम मिस लावण्या है, हमारे स्टेशन में बुकिंग क्लर्क का काम करती है, सबसे घुल मिलकर रहती है, आज से साथ वाले घर में ही रहेगी। अंकल आप प्लीज मुझे मिस मत कहिए, बस लावण्या कहकर बुलाइए, नहीं तो आप लिली भी कह सकते हैं मुझे। नहीं, उस नाम से तो मुझे बुलाते हैं। ओके, तो मुझे बिल्ली कहकर बुलाइए। चलती हूँ आंटी। लावण्या हाँ, कभी कभी हमारे घर आया करो। नहीं कभी नहीं, रोज आऊंगी। बहन जी, माँ जी, अरे कुछ दे दो, गरीब को दे दो माँ जी। माँ जी, अरे पर, अरे बाप रे, भागो। आज का कलेक्शन कितना हुआ? भाग कहाँ रहा है बे? आप आ गए इसलिए भीख मांगने आए? तो उसमें शर्माने की क्या बात है, आप उधर मांगो, मैं इधर मांगता हूँ। एक चमाट मारूंगा, चल जल्दी बता कलेक्शन कितना हुआ। चल चल बता। आपका कलेक्शन मुझे कैसे मालूम? साले कॉमेडी सूच रहे तुझे, चल निकल जल्दी। अरे ये पैसे निकालते वक्त आवाज कैसी आ रही है? मुझे पता है। मुझे भी पता है। तुझे पता है? चाट चाट कर खाने वाले को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, यही ना? पंडित जी, आपके गांव का मंदिर बहुत सुंदर है। इस गांव में नई आई हो बेटी? हाँ, मेरा नाम लावण्या है, नौकरी के सिलसिले में आई हूँ। पूजा किसके नाम से करवाऊं? भगवान के नाम से। ए पंडित। हाँ साहब। मंदिर की दान पेटी बहुत भर गई है, सारा माल पुलिस स्टेशन भेज दे। ठीक है साहब, भिजवा दूंगा मैं। हाँ देखा बेटी, ये अन्याय, लोग पाप करके मंदिर आते हैं, ये पापी तो मंदिर में ही पाप कर रहा है।
अबे तेरी तो अच्छी है सर। कलेक्शन सर। हाँ। बहुत अच्छी है ना। Excuse me? हाँ? मंदिर में आके बिना टीका लगाए नहीं जाते। ये दो आंखें तेरी करती है शरारत, दिल करता है मेरा मुझसे ही बगावत। होने लगा है प्यार तुमसे मुझको, तुम भी कह दो ना मुझसे प्यार हुआ तुमको। ये दो आंखें तेरी करती है शरारत, ये दो आंखें तेरी ओहो। ये दो आंखें तेरी करती है शरारत, दिल करता है मेरा मुझसे ही बगावत। करता है मेरा मुझसे ही बगावत। अम्म
ए अपन स्वामी, तू केकड़े लाया है या नहीं? हाँ, कहा था ना लाने में थोड़ी देर हो गई, तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देख, तुझे याद तो है ना कि तूने मुझसे क्या कहा था? मेरा उस पति के साथ तो टाका भिड़ा देगा, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। बता बता। देखो, 10 मिनट के अंदर पति यहाँ आएगा, यहाँ अंदर आकर पैर रखेगा, फिसल कर गिर जाएगा, और तुम लपक कर उसे पकड़ लेना। कितना घटिया आइडिया है, कितने पुराने जमाने का आइडिया है तेरा। आइडिया तो पुराना है, लेकिन जब आपका हाथ उन्हें टच करेगा तो आपका टच तो नया होगा ना। करेक्ट। आ गया आ गया। फेंक 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 दिया। सुपर टच था। सुनिए, अभी छिलका डाला ही नहीं तो टच सुपर कैसे हो गया? वो आ रहा है, मैंने छिलका फेंक दिया है और आप रेडी हो जाइए। फिसला तो फिसला, सोचा था कि दिव्या पे गिरूंगा। तू दिव्या के बारे में सोच रहा है, तेरे नीचे मैं हूँ, मेरे बारे में सोच। चलो क्या चल रहा है बे? आपका इंतजार कर रहे थे। मुंह बंद, काम करो अपना। क्या बजा रहे हैं सर? मेरा मतलब है ब्लेड ब्लेड। वो लड़की कौन है रे? अपनी दिव्या? ये नहीं, वो टीका लगाने वाली लड़की। अच्छा, वो लड़की, उसका नाम लावण्या है, बुकी है। हाँ, मतलब रेलवे में बुकिंग क्लर्क है, मेरे घर के सामने रहती है। तो अपना घर खाली कर दे। सर रहने आएंगे शायद। चल बे, काम पे लग सामान। चल। वो लड़की आईना है, पर एक दिन हम आपके जीप के नीचे जरूर आएंगे। वो लड़की इसी घर में रहती है सर, आपकी जितनी मर्जी देख लो। साइड को, हम लोग इधर देखते हैं। मेरा मतलब हम तब तक दूसरी लड़कियों को देखते हैं। मारिए मत सर। अभी तेरी तो दिख गई वो। क्यों, चश्मा उतारे बिना नहीं दिखता क्या? क्या सर, अंदर जाएंगे तो और भी बहुत कुछ दिखेगा आपको। लावण्या, ये फूल लेकर कहाँ जा रही हो? आज हमारे स्टेशन मास्टर की बेटी का बर्थडे है, वहीं जा रही हूँ। बाय बाय। ऐसे देख रहे हो, खा जाओगे क्या? अब मतलब ब्लेड। सर क्या करे, सर वो आ गई। सर पैंट तो छोड़ दो। सर नीचे देखिए, खराब हो गई रंगोली। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं नीचे रंगोली। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। सर क्या कर रहे हैं? अबे दोनों आग के अंधे, दिखाई नहीं देता हमारे सर पौधा लगा रहे हैं। हे, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मेरे को नहीं मालूम। इस पे फल और फूल दोनों उगने चाहिए। आप भी ना सर, ये गुलाब का पौधा है, फल कैसे उगेगा इसमें? वो सब मेरे को नहीं मालूम। अरे बोला ना, एक बार उगना चाहिए तो उगना चाहिए बस। अरे मेरी शर्ट क्यों खराब कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ किसी और झाड़ के फल तोड़ के चिपका दूँ क्या? एक काम कर, खुद ही चिपक जाए। मैडम, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है। मैडम चल फाइन सर। मैडम मेरे साइकिल में चेन भी नहीं है। काश कि सब तेरे जैसे ईमानदार होते। थैंक यू मैडम। मैडम क्या इसे अपने साथ रखिए मैडम। पर क्यों? धूप में आपकी खूबसूरती सूख रही है, ये मुझसे देखा नहीं जा अच्छा, रहा है मैडम। ठीक है ला, थैंक्स। क्या हुआ, किसका इंतजार कर रही है? कुछ नहीं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो मुझे रख लो ना। क्या कहा? आई मीन मेरी साइकिल रख लो ना। ये गाड़ी थोड़ी है यार। कोई बात नहीं, पीछे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चल फुट। ये लीजिए। ये क्या है? मेरा विजिटिंग कार्ड है, गुज्जू मनी 9848012345। Any time, any night. Call me for any help, okay?
ये आखिर मुझे समझता क्या है? प्यारी 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 लावण्या, बाबा क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रही है। मल्ली? मल्ली नहीं, गुलाब है। गुलाबी नहीं, लावण्या। ओ अच्छा, तो अभी के अभी ऑटो लेके बस स्टैंड जा। हाँ, जाऊंगा। वहाँ लावण्या होगी, उसे किसी तरह ऑटो में बिठा और लेकर आ। क्या लावण्या को उठा के बैठ जाऊँ? मतलब वही ऑटो में बिठा दूंगा मैं। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? चलिए बैठिए, यहाँ बस नहीं आती मैडम। मैडम मैं आपके पैर जोड़ता हूँ, हाथ पड़ता हूँ, प्लीज चलिए, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज चलिए ना। अरे वाह, बच गए, चले। अच्छा, जैसे ही तुम लोग चौराहे पर आओगे ऑटो खराब हो गया, रुक जाएगा। चौराहे पर ही आते क्यों खराब होगा? अगर नहीं हुआ तो तेरा थोबड़ा खराब कर दूंगा। ठीक है, समझो खराब हो गया। यहाँ पर लावण्या तुझसे पूछेगी क्या हो, हाँ। पर तू कुछ भी बोलना मत, हाँ। हेडलाइट की तरफ इशारा कर दे। हेडलाइट की तरफ इशारा किया तो उसे लगेगा कि मेरे पास हेडलाइट नहीं है। चू चपड़ मत कर, तेरी हेडलाइट फोड़ दूंगा। ठीक है, इशारा कर दिया। अरे अभी से क्या हो गया, लात मार के देखता हूँ। क्या हुआ, यहाँ क्यों रोका? इंजन में कुछ प्रॉब्लम है मैडम। इंजन प्रॉब्लम है तो हेडलाइट क्यों देख रहे हो? जैसे मेरे दिमाग और शरीर के बीच का रिश्ता है ना, वैसे ही इसके इंजन और हेडलाइट का रिश्ता है। स्टूपिड फेलो। और तभी आप उनकी एंट्री होगी। अरे भाई साहब, रुकिए 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 रुकिए, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुका है? आप ही ने तो बोला था सर, मेरा मतलब वो हेल्प करने के लिए। अबे तू क्या हेल्प करेगा, आप आइए मेरी गाड़ी में। आप जाइए, वो आराम से कर देंगे। हा? मेरा मतलब हेल्प कर देंगे, हेल्प। आइए आइए। नमस्ते। लेना लेना। समझ में नहीं आता कि पुलिस वाला हूँ या एजेंट हूँ। बस की राह देख रही थी, मना करने के बावजूद पैरों पर आकर और ऑटो में बैठने को कहा, और रास्ते में ऑटो खराब भी हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि आप वक्त अगर पर वो ऐसा नहीं करता तो उसका ऑटो उस पे चढ़ा के उसे मार देता। नहीं, असल में मैं ये कह रहा था कि आपकी पूंछ बहुत प्यारी है। हा? मेरा मतलब आपकी हेयर स्टाइल। थैंक्स। एक बार जरा अपनी शक्ल दिखाइए मुझे। इस छोटी बिंदी के बदले बड़ी बिंदी लगा के गजरा लगाएंगी तो लक्ष्मी देवी कैसी होती पता नहीं, मगर आप महालक्ष्मी जैसी लगेंगी। आप इन कपड़ों से ज्यादा सफेद कपड़ों में अच्छे लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है, मेरा है कौन? मैं हूँ। क्या कहा आपने? आज मेरे घर पर एक फंक्शन है, आपको जरूर आना है। अरे अपनी तो निकल पड़ी। सुनिए, पक्का आएंगे ना? हाँ। भूलिएगा मत। हाँ, बाय। कुड़ी फंस गई। कॉलर ठीक कीजिए। हाँ, सारे बटन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक लग रहा है। चलिए अब ठीक है ना? आज इनको आईना नहीं देखना चाहिए। क्या कहा? चलिए सर, चलिए ना। ओके। सर को खिलौना देखने दे, अपन आइटम को देखते हैं। चल ठीक है, चल। लो ये लो। मैडम, क्या ये सारे बच्चे आपके ही हैं? हाँ जी। आपके पति काम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बिना कुछ किए इतने बच्चे पैदा हो गए? तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अबे तेरी। आप कब आए? अभी कल आया, मतलब अभी आया, अभी। अरे संभल कर। कोई बात नहीं, गिरूंगा तो आप ही पे। आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप भी अगर पल्लू गिराएंगी तो बहुत अच्छी लगेगी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब आपकी साड़ी का पल्लू बहुत अच्छा है। थैंक्स। वो सारे खिलौने बहुत अच्छे हैं, उसमें से वो सर हिलाने वाली गुड़िया बहुत अच्छी है। आप भी सर हिलाएंगी तो गुड़िया लगेंगी। क्या? वैसे बिना सर हिलाए भी गुड़िया लगेंगी। थैंक्स। वैसे वो कौन है, तंबूरा लेके एकदम उदास बैठी है? वो मीरा बाई है, बहुत बड़ी प्रेमिका। किससे प्यार करती है? भगवान श्री कृष्ण से, उन्हीं का इंतजार कर रही है। कितने सालों से? कई जन्मों से। क्या, कई जन्मों से? हाँ, इंतजार में कितनी खुशी होती है ये सिर्फ उन्हें ही पता है, पर उस खुशी में कितना गम छुपा है ये किसी को भी नहीं पता। मेरे को एक डाउट है, इंतजार में खुशी मिलती है या गम मिलता है? सच्चे प्यार से इंतजार किया तो कभी न कभी उसका फल मिलता है, तभी आपको सच्ची खुशी मिलती है। जल्दी निकलते हैं, नहीं तो राहु काल शुरू हो जाएगा। चलेंगे,
जरूर चलेंगे, लेकिन जगपति के आने के बाद। पिताजी हम लोग बच्ची की मन्नत के लिए जा रहे हैं, इसमें जगपति का क्या काम? क्या बक रहा है साले? नहीं पिताजी, हम सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा कहा इन्होंने। जगपति भी अपनी ही फैमिली का मेंबर है, उस गॉड ने इस स्काउट को दिया हुआ बॉडी गार्ड है वो। देखिए जरा संभल कर, आज उसका जन्मदिन है। अबे लड़की मेरे लिए पैदा हुई है, तुम ऊपर साइलेंसर लगा। ठीक है सर। ढक्कन साला। हाँ जी, लाल लाल गुलाब देके मैं लावण्या को अपने प्यार में गिरा। तेरी तो ये क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फूल फूल। ये किस लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है ठीक है, चलिए उठिए। सॉरी, फिर से सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं छुआ। कोई बात नहीं। हेलो, कहाँ है मेरा बच्चा? प्यार में गिर गया। क्या? बुखार हो गया, शायद मच्छर ने काट लिया। मलेरिया लवेरिया सब कुछ हो गया उसे, बहुत सारे रोग लग गए एक साथ। एक घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे यहाँ आने की जरूरत क्या है, हम लोग है ना देखने के लिए। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मार डालूंगा तुझे। हाँ तो ठीक है, देखता हूँ कैसे आएगा, मैं आने दूंगा तब ना। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। आप खुश तो है ना? चलो जल्दी। लक्ष्मी, जगपति की तबीयत खराब हो गई है, रिस्क क्यों लें, फिर कभी तिरुपति चलते हैं। क्या भाई, जगपति नहीं तो क्या, हम है ना। ए, हजार लोग मिलकर भी जगपति की बराबरी नहीं कर सकते। पिताजी हम इस बच्ची की मन्नत के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो। सुनिए भाई, जगपति के बिना नागराज गौड़ तिरुपति जा रहा है। क्या कहा? जगपति के बिना वो गौड़ अकेले ही तिरुपति जा रहा है? अकेला नहीं भाई, फैमिली के साथ जा रहा है। कितने भी लोग हों पर उस जगपति के बिना वो अकेला ही है। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं आता। वो गौड़ तिरुमला के ऊपर नहीं, उसके ऊपर, बहुत ऊपर जाना चाहिए। इलियास को फोन करो। नाना जी, गाड़ी और तेज चलाने को कहो ना। गाड़ी थोड़ी तेज चला। देख क्या रहे हो, हटाओ उनको। हेलो, सही टाइम पे फोन किया, गौड़ के मौत की चीख सुनो। गौड़ को मत मारो इलियास, छोड़ दो उसको। ये क्या, आप पागल हो गए हो, आपने ही तो मारने को कहा था। अगर तूने उसको मार डाला तो यहाँ मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको, उसको मत मार, मत मार उसको, छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको, मत मार। पता है क्यों छोड़ने के लिए कहा है? उसके सर पे गन लगा के यमराज जैसे बैठा होगा मेरा बेटा जगपति। मुझे मारने आया है तू? हाँ गॉड, ओ गॉड, ये साला मुझे और मेरी फैमिली को मारने के लिए आया है। क्या करूं इसका मैं? हाँ आपके पास भेज दूं, आप देख लेंगे। अब तू जाएगा, गॉड बुला रहे हैं, चल जा। ये केस मेरा है, मैं देख लूंगा। नहीं मैं देखूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते। देसी स्कॉच। साहब से मिलना था। आपको काम क्या है? न्यूज चैनल से आए हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। नहीं नहीं, उनको पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं, और उन्हें हैदराबाद सिटी भी पसंद नहीं है। हम दोनों का चाहिए तो दे दें क्या? क्या रे खजूर लोग, क्या मच मच चल रही है? ये आए हैं न्यूज चैनल से आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना है। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है सर। चलो वैसे भी बोर हो रहा था, कुछ टाइम पास करते हैं। एक एड़ा दूसरे एड़े का इंटरव्यू। तुझे नहीं बोला सर, बाल बना लीजिए, थोड़ा मेकअप कर लीजिए, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं।
जरूरत नहीं है, नेचुरल लुक अच्छा रहेगा। चल टेक कर। मेकअप छोड़िए, कम से कम ड्रेस तो लाए हो क्या? मैं क्यों लाऊंगा, मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा था। हम पुलिस वाले नहीं, गुंडे हैं, बस इस पुलिस स्टेशन को चला रहे हैं। तू अपना काम कर, चल। टाइट क्लोजअप रखना। ओके सर। सर तैयार हैं? सर सवाल पूछूं? हाँ क्या, शुरू हो जा। बहुत ज्यादा नाटक है इसके। हाँ सर, आपका नाम? पति जगपति, और मैं हूँ कांस्टेबल मली। आप इस गांव में कब से ड्यूटी कर रहे हैं? सर 6 साल से इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं, और मेरा नाम स्वामी है। कट 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 कट, आप दोनों बीच में मत बोलिए। दिस इज वेरी सीरियस इंटरव्यू, मेरे सवालों का जवाब आप ही को देना होगा सर। चल ठीक है, तू चुप कर, ठीक है, तू ये पकड़ और तो पूछ। आपकी नजर में पुलिस का क्या मतलब है? POLIC। क्या आपने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? बहुत माल कमा सकूं इसलिए। एक जिम्मेदार ऑफिसर होके आप ऐसी बातें करते हैं? जिम्मेदार, जिम्मेदारी, ईमानदारी, सपने, उम्मीदें, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकत में इन बातों का कोई मतलब नहीं। आप पुलिस स्टेशन में ही बार चला रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। बाहर जाके बेवड़ों को अरेस्ट करने में सर में दर्द होता है, करके दारू की दुकान इधर ही खोल ली, लेकिन दतिंग करने वाले को अंदर कर देता हूं। सुना है इस गांव में जो भी गुनाह होते हैं उसकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं है? जब हम खुद ही गुनाहगार है तो परवाह करे तो भी किसकी। एक इंस्पेक्टर होते हुए गुनहगारों को सजा देने के बजाय खुद गुनाह करोगे तो इस गाँव का भला कैसे होगा? भला करना भी कौन चाहता है क्या रे? चल आगे कैसेट बजा, पूछ। मैं और क्या पूछूं, आप इतनी कठोरता से जवाब दे रहे हैं। क्या कठोरता, अगर मैं ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा तो ये देश बदलेगा। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो इस गांव का भला होगा, अगर सभी गांव का भला होगा तो देश का भला होगा। क्या बकरा है, इसका मतलब इस देश में कोई ईमानदार ऑफिसर ही नहीं है, ऐसा कहता है आपका निकम्मा चैनल। वो कैसे? ऐसा होता तो इस देश का भला हो जाता। ऐसा नहीं है सर। अरे छोड़ना, चल मैं बेवकूफ हूँ, गुनाहगार भी हूँ, पुली चल्ला गाँव वालों का भला नहीं कर रहा हूँ। हैदराबाद के पुलिस वाले ईमानदार है क्या? क्या उधर कोई गुनाह नहीं होता? रॉयल सीमा के पुलिस वाले ईमानदार है क्या? ऐसा है तो लोग मर क्यों रहे? अरे चौराहे पे मर्डर क्यों होता है? अबे बोलना भूतनी के। ये देख सफेद बाल। अबे न्यूज चैनल वालों, उन सब शहरों के सामने पुलिस चला गांव कितना सा है बे? इतना सा। और उस गांव में मैं कितना? इतना सा। तो इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा लफड़ा कायकू? सुन रहे, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में या किसी भी गांव में कोई खुश है क्या? बोल, कहीं मर्डर, कहीं रेप, कहीं चोरी या धोखाधड़ी होती है कि नहीं, तू बोलना। अबे देश की बात तो जाने दे, चल तेरे चैनल की बात करते हैं। नोट दिया तो शैतान को भगवान बनाते हो, नहीं तो भगवान को शैतान बना डालो। सर ये नाइंसाफी है। छोड़ना नाइंसाफी की। हाथ क्यों उठाते हैं सर, ये नाइंसाफी है। अगर टीवी में टेलीकास्ट हो गया तो आपकी वर्दी उतर जाएगी। क्या बोला बे? वर्दी उतर जाएगी। इसकी कैसेट जला दो और कैमरा बेच के आधा आधा बांट लो। सर इसे अंदर कर दूं क्या? अंदर, और इस खजुए को कचरे के डब्बे में फेंक दो। फेंक दिया तो म्युनिसिपैलिटी वाले नाराज हो जाएंगे, कहां से लिया इसको? क्या भाई सिर्फ 7 मोमबत्तियां हैं? मेरी उम्र अभी 7 साल है। क्या 7 साल? तो फिर कितनी है, कितनी है बताओ? 49। क्या बात है। नाना जी केक काटिए ना। ओह थोड़ी देर रुको मेरी गुड़िया, अभी मेरा बच्चा आने वाला है। आपका बेटा तो यही है। क्या ये मेरा बेटा है? ये मेरा बेटा मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने बच्चे जगपति का, मेरी जान है वो। नमस्ते भाई। लो वो आ गया, आ जा मेरे बच्चे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तू तो मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा गॉड है। आप बिना भाई क्या सुबह सुबह तारीफ के फूल बांध रहे आप? नहीं, तेरे बिना मैं नहीं और मेरा जन्मदिन भी नहीं। तेरी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और ये जन्मदिन मना रहा हूँ। इसी मौके पर तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये देख, तेरे लिए एक फार्म हाउस, और ये 100 एकड़ की जमीन, और ये मेन रोड पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इतना सब काहे को? मेरा आगे पीछे कौन है भाई? ले 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 बच्चा, तुझे मेरी कसम। जगपति वो इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लो ना। पिताजी केक काटिए ना, काफी देर हो गई। ठीक है बेटी, चलो काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी गॉड। जगपति मेरे साथ रहेगा तो ऐसे 100 जन्मदिन मनाऊंगा मैं। आप ही मेरे सच्चे गॉड हो भाई। लावण्या रुक रुक रुक। क्या हुआ? क्या एक ही बाली पहनी है, दूसरी बाली कहाँ है? लगता है गिर गई, परसों पार्क गए थे ना, उधर ही खो गई होगी। कोई बात नहीं, खो गई तो खो गई, जाकर दूसरी बालियां पहन ले।
उसकी कीमत जानती तो ऐसा नहीं कहती। दे दो इस भूखे को एक रुपया, दे दो एक रुपया, दे दो, वो मालिक आपको बहुत देगा, आपका भला करेगा। अर्जेंट कह के इस पार्क में क्यों लाए हो सर? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं है ना? लावण्या की बाली गिर गई। क्या इज्जत गई? मुझे ऐसा लगा। मुंह बंद करके ढूंढो। ये बाली आखिर होती क्या है सर? कान पता है, नाक पता है, हाथ पता है, पैर पता है, कमर पता है, ये पता है, वो पता है। ए तू चुप कर, तुझसे ज्यादा मुझे मालूम है, समझा ना? सर बॉडी के कौन से पार्ट को बाली बोलते हैं? मेरे को भी क्या मालूम, जाके ढूंढो ना, बाली के बदले कुछ मिलेगा ना? तू क्या? तो ठीक है, तू आजा आजा चल। छोटे प्यार बाद में बहना, ये बाली किसे कहते हैं? इसे कहते हैं भैया। मैंने बोला था ना, उसने बोला बीक दे दो भैया तेरी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? प्यार मोहब्बत बाद में, काम करो पहले। पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे पैसे दे दो, मुझे मुझे दे दो, चलो भी ढूंढो मेरे पैसे। इधर देख, देख देख मिला क्या। सुनो बहना, इतनी मेहनत के बजाय तुम अपनी ही बाली क्यों नहीं दे देती? हाँ पद्मा दे दो, हम यहाँ आए किसी और काम से और कर कुछ और रहे हैं, बेकार में टाइम वेस्ट क्यों? लाओ दे दो, मैं तुम्हें दूसरी खरीदूंगा। अच्छी लड़की है, ये लीजिए सर। नहीं नहीं तू ही जाके दे। मैं क्यों? सर इम्प्रेस हो गए, स्टेज पर तेरी शादी करवा देंगे। सर इस लड़के को बाली मिल गई सर। अब तेरी तो, ये लीजिए सर बाली। क्यों बे? हाँ सर। अपनी आइटम की बाली निकाल के बोलता है मेरी आइटम की है। कल को मेरी आइटम ही खो गई तो अपनी आइटम देगा क्या? चलेगी क्या तू? आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे पता नहीं था ये ऐसा। अरे प्यार क्या होता है ये मालूम है तेरे को? प्यार की कीमत क्या होती है मालूम है? जानता है प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर नहीं जानता है तो जाके एक बार जोधा अकबर देख ले जा। लेकिन प्यार होता क्या है सर? तेरे को मालूम पड़ा ना बाली क्या है? उसे ढूंढना ही प्यार है, समझा? तेरी बाली मेरा प्यार। ये क्या कहा? तू टेंशन मत ले, इनका ऐसे ही है। मिल गई मुझे बाली, बाली मिली। देखो देखो मिल गई। बस ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे अपनों की दी हुई बाली को अब कोई उससे भी अपना लौटा रहा है, इसलिए फिर से शुक्रिया। चलती हूँ। लावण्या, आई लव यू। कुड़ी मिल गई। रखू पल पल तुझको दूर न होने दूँ, चेहरा गलियों का आंगन
बालों में हंसता सावन सांसों से तुझको छू लूं बाहों में तुझको भर लूं एक पौधा प्यार का सींचे आजा आसमां के नीचे सीरियस आई एम सीरियस आई एम सीरियस आई एम सीरियस आई एम सीरियसली इन लव विद यू मस्ती में डूबा डूबा बदन चूम लूं सागर के इन लहरों में संग झूम लूं है तुझको जी भर के प्यार करूं तेरे होठों को मैं सनम चूम लूं तेरे प्यार में जीना मरना अब तो है संग तेरे मर जाऊंगी दिन तेरे रहना तो संग मेरे चेहरा गलियों का आंगन बालों में हंसता सावन सांसों से तुझको छू लूं बाहों में तुझको भर लूं मस्ती में डूबा डूबा बदन चूम लूं सागर के इन लहरों में संग झूम लूं चेहरा गलियों का आंगन बालों में हंसता सावन सांसों से तुझको छू लूं बाहों में तुझको भर लूं एक पौधा प्यार का सींचे आजा आसमां के नीचे हाँ बस यार रोक दे देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ अरे वाह मैं ठीक हूँ रुको रुको कैसे हो भाई साहब मेरा सूटकेस अच्छा ये आपका है मेरी सीट के नीचे था मैं उठा लाया अरे क्या बात कर रहे हो सूटकेस मेरा है कैसे कैसे लोग हैं क्या भाई मैंने क्या किया अरे वो छोड़ो अभी चलो चलो ये बैग तो आपका ही है और नहीं तो क्या ये बता भाई कैसा है एकदम सुपर लेकिन आजकल लव में गिर गए हैं मारवार तो नहीं लगा ना नहीं 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 अरे हिंदी में बताए ने वो प्यार करने लग गए किससे उसी कांस्टेबल लड़की से उससे भी गंदी है क्या अरे आप भी क्या भाई अरे सिगरेट तो बुझाइए अभी तो चलाइए फिर से जला माचिस फेंक दी वो लेके आएगा पहले बुझाइए ना क्यों वो सामने आ रही है कहां वो वहां देखा भाई ये वही लड़की है जिसे सर प्यार करते हैं क्या ये लड़की कल आई लव यू भी बोल दिया और उसने उन्होंने भी आई लव यू बोल दिया क्या उसने भी आई लव यू बोला हाँ प्यार करने वाले ऐसे ही बोलते हैं इनको छोड़कर भाई किधर है क्या हुआ सर मैंने सोचा कोई न्यूज बताओगे आप तो कॉलर पकड़ रहे हैं मेरा मोबाइल कहाँ है क्यों क्यों सर क्यों बे तेरा कैमरा बेच दिया तेरी कैसेट जला दिया तेरे वो कचरे के डिब्बे में फेंका फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई ए तू ये सड़ेले नल्ले फोन से भाई के और मेरे खिलाफ मैसेज भेज के लोगों को भड़काता है क्यों अब इतनी अरे मेरा फोन आपने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया मुझे मारा क्यों सर फिर से इस गांव में दिखा ना तो यहीं पे खड़े खड़े काट डालूंगा काट ऐसे नहीं लावण्या को है उसने आपके साथ जो किया है ना जानने के बाद उसे काट डालोगे मेरे साथ जो करना है कर लो लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अगर मैंने झूठ कहा तो मुझे काट डालो अगर सच हुआ तो उसे काट डालो We'll be right back.
क्या तू शादीशुदा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू शादीशुदा है या नहीं? चुप क्यों है? बोल हाँ या ना। हाँ हूं। इतनी गई गुजरी है तू, घर में मर्द के हुए तुझे मेरी जरूरत पड़ गई क्यों? प्यार से अनजान था मैं, पहली बार किसी लड़की ने तिलक लगाया तो उसी से साथ फेरे लेने के सपने सजा बैठा, पर तू बाजारू औरत निकली। मेरी शादी हो गई है, सिर्फ यही सच तुझे पता है। और आज मैं जैसी भी हूं उसकी वजह तू है, तू है। ये क्या है रे, ये क्या नौटंकी है? तेरा पति मर गया है और उसकी वजह मैं हूँ? हाँ सुन, वो रहता है हैदराबाद में और मैं पुली चेरला में। तेरे यहाँ आने से पहले मैंने तेरा चेहरा कभी देखा भी नहीं है, तो मुझे ये बता कि तेरे पति को मैंने कैसे मारा, झूठी साली? हाँ, तेरे हाथों से जो बेरहमी से मर गया वही मुरारी मेरा पति था। मेरे पति को हमेशा के लिए मुझसे दूर करके मेरे सिंदूर को तूने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। इससे पहले कि मेरी मेहंदी का रंग उतरे तूने मुझे विधवा बनाकर रख दिया। तेरे कारण एक पति और बेटे को खोने वाले उस परिवार की हालत कैसी है इसका अंदाजा है तुझे? एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के बावजूद गांव वालों का भला सोचने के बजाय भरी बाजार में खून करके गवाह मिटा दिया तूने। तेरी इस हैवानियत की वजह से कितने परिवार तबाह हो गए इसका एहसास तक नहीं है? एक बार भी सोचा है कि तेरी इन हरकतों से कितने मासूम लोग बलि चढ़ गए? एक माँ और आया के बीच का फर्क जाने बिना उस गौड़ के टुकड़ों पर पलने वाला तूने जो नाइंसाफी मेरे साथ की है उसके लिए भरे बाजार में तुझे मार डालना चाहती थी, तेरे सीने में खंजर उतारना चाहती थी, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर तुझसे प्यार किया। जानते हो क्यों? प्यार में जुदा होना किसे कहते हैं इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी तुझे। एक औरत होते हुए जो गुनाह नहीं करना चाहिए वो मैंने तेरे लिए किया। तुम बड़ी बिंदी लगाओगी तो लक्ष्मी देवी जैसी लगोगी, ऐसा कहने के बाद गलत होने के बावजूद मैंने बिंदी लगाई, तूने कहा कि मैं गजरा लगाऊं तो खूबसूरत लगूंगी, तब मेरे सीने में कांटे चुभ गए। तुझे पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि एक आदमी के शरीर पर चोट लगने से ज्यादा दिल पर चोट लगे तो ज्यादा तकलीफ होती है, ये बताना चाहती थी, क्योंकि एक शैतान को भी बदलने की प्यार में ताकत है, इसीलिए उसी प्यार को हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। तू लावारिस पैदा हुआ, तू लावारिस पला बढ़ा, कम से कम लावारिस मरेगा तो नहीं? प्यार में जुदा होना किसे कहते हैं इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी तुझे। इतने दिनों तक आपसे ये बात छुपाई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तेरी जैसी सुंदर सुशील बहू मिलने की खुशी से ज्यादा इस उम्र में तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ वो सोच के दुख हो रहा है। लेकिन भैया ने शादी की बात क्यों छुपाई? मैं और तुम्हारे भैया एक दूसरे को चाहते थे, आपकी इजाजत लेकर शादी करने वाले थे, मगर रावण जैसा मेरा मामा मेरे पीछे पड़ गया था। ला 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 ला।
डर गई ना? अपने मामा को देखकर कोई डरता है क्या? मुझे पता है तुझे डर नहीं लगा। मैं मर गया ये सोचकर तुझे दुख हो रहा है ना? ग्रेट, यू आर ग्रेट लावण्या। फिर भी मुझे तुझ पर शक होता है, बता मैं क्या करूं? तू इतनी खूबसूरत जो है, टेंशन टेंशन टेंशन, अक्सर गलत ख्याल आते रहते हैं। कहीं तू भाग गई, मुझे छोड़कर दूर चली गई तो इसमें तू भी क्या कर सकती है, तेरी उम्र ही ऐसी है। सच कहूं तो मैं तुझे समझ ही नहीं पाया। सॉरी सॉरी। मरते वक्त मेरी बहन ने, यानी कि तेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूं, मगर तू है कि किसी और से प्यार कर रही है? मेरी मरी बहन की कसम, खड़े खड़े चीर दूंगा। कान खोल कर सुन ले, ए, कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो देख लेना, तेरी लाश को मंगलसूत्र पहना कर उसी से शादी रचा लूंगा। चल। मुझसे जबरदस्ती प्यार पाने के लिए रोज मुझे टॉर्चर करता, ये बात मैंने मुरारी से कह दी। तेरे मामा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। कोई फायदा नहीं मुरारी, मेरे मामा की पहचान बहुत ऊपर तक है। तो फिर क्या करें? उनसे लड़ना है तो पहले हमें रजिस्टर्ड मैरिज करनी होगी। आप साइन कीजिए और आप भी अब हार पहनाइए। Wish you a happy married life. Thank you, sir. Hello. मुरारी, तुरंत मैं भी वहां से यहां चली आई, लेकिन उससे पहले ही अनहोनी हो गई। ये सब जानते हुए भी क्यों इस गांव में आ गई? आपके लिए और उससे ज्यादा जगपति के लिए। तुमने जल्दबाजी की है, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम सब कुछ खो दोगी लावण्या। सब कुछ तो पहले ही खो दिया है, अब क्या है मेरे पास खोने के लिए? सब कुछ छोड़ के आई हूँ मैं यहाँ प्यार को हथियार बनाकर उसे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। तुम बहुत हिम्मत वाली हो लावण्या, तुम कुछ भी कर लो वो नहीं सुधरेगा। अगर मैं मेरे सिद्धांतों पर चलती रहूंगी तो जीत मेरी होगी। संभल कर चला, नहीं तो गिर जाएगा। गिरने ही तो आया हूँ मैडम जी। मैं जानती हूँ तू यहाँ क्यों आया है, ब्रेक नहीं है, घंटी नहीं है, फाइन के पैसे जेब में रखने हैं और चांस मारने आया है ना? जी नहीं मैडम, मैं तो आपको ये फूल देने आया हूँ। किस लिए? आज वैलेंटाइन डे है ना, तो क्या हुआ, प्रेमियों का दिन है। हाँ? ये लेटर ले लो, मैंने अपने खून से लिखा है। क्यों, पेन नहीं है क्या? मेरे सच्चे और पवित्र प्यार का एहसास आपको दिलाने के लिए मैंने इसे खून से लिखा है। फील माई लव, इस दिन को मरते दम तक नहीं भूले, ऐसे कुछ यादगार पल मुझे दे दो ना मैडम। ठीक से खड़ा होगा ना तो मेरी कमर तक भी नहीं आएगा तू। आई हेट यू। हेट करने वाली आप खुद एक दिन मुझे आई लव यू बोलोगी। यू विल फील माई लव। गेट आउट। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है ये दिल दीवाना है। फील माई लव। कैसी पड़ी मार, आया मजा, गाल हुए लार, आया मजा। लीजिए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये सबूत काफी है चाचा जी, उस एमएलए और उसके गुंडों को जेल भिजवाने के लिए। संभाल के बेटा, वो बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए तो सारे गवाहों के दस्तखत करवा लिए, सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से नहीं। मैं तो इसी गांव में पला बड़ा हूँ, ये गुंडागर्दी को सजा दिलवाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। सारे गांव वालों को इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। रॉयलसीमा एक्सप्रेस हैदराबाद का एक टिकट दीजिए। ट्रेन टाइम पर तो है ना? नहीं, आधा घंटा लेट है। कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 7428 तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली रॉयल सीमा एक्सप्रेस 30 मिनट देरी से आएगी।
जो देखा उसे भूल जाओ बेटी। आंखों के सामने इतनी बेरहमी से खून किया उसे भूल जाओ। उसके खिलाफ जाके तुम्हें क्या मिलेगा? किससे कंप्लेंट करोगी, एमएलए को या एसआई को? इस गांव का यही नसीब है, तुम्हें कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या तूने खून होते हुए देखा है? तूने खून होते हुए देखा है क्या? देखा है। ये पापी और कितने लोगों की बद्दुआ लेगा? सर क्यों रे, सारी बातें हो गई क्या? वकील से बात करके स्पेशल केस पुट अप करवा दिया है। चलो उधर। बोलिए मैडम, क्या आपने बंडा राजू को टीवी चैनल रिपोर्टर राजा का खून करते हुए देखा है? सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम बंडा राजू को हिरासत में लेने का आदेश देती है। ये क्या जगपति, ये खाकी वर्दी, ये टोपी क्यों ठीक नहीं है? नहीं, उतार देते हैं। ये साज भी अब... जगपति, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस चेला। पुलिस केरला में जुआ, दारू, गुंडागर्दी, जिस्म फरोशी, ये सब आज से बंद होना चाहिए। औरत आधी रात को बिना डरे घूमनी चाहिए यहाँ। पति, जगपति, अब यहाँ कोई जुर्म नहीं होगा, कसम है।
हाकिकी। यदा यदा हि धर्मस्य गतिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनाधार्य सम्भवामि युगे युगे। Jagapati, 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 Karne aaya jagka kalyan, Jagapati, 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 Sabke hoto pe basikna, Jagapati, 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 Ablao ka sahara hai, Jagapati, Jagapati, Har dushman isse hara hai, Jagapati, दुश्मन का दुश्मन जगपति दुर्बल का सहारा जगपति सबका मसीहा जगपति का रक्षक जगपति 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 जगपति। हेलो, दरअसल मैं आपको ही फोन करने वाला था भाई। वो नहीं बच्चा, उस बंडराजू के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे मालूम है भाई। उस बंडराजू को क्यों अरेस्ट किया, यही ना, वो कुत्ता आपको मारना चाहता है। क्या कहा? हाँ भाई, आप तो काम के सिलसिले में हैदराबाद में बैठे, इसलिए इसके बारे में आप जानते नहीं। उसने क्या किया भाई? वो MLA बनने की कोशिश कर रहा है, आपको मारने का फूल प्रूफ प्लान बना चुका है भाई। वो आपको टपकाने की कोशिश। भाई इसकी बातों में मत आना। भाई क्या आप अपनी गलती मानते हो या मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो ये खजूर कैसे मानेगा? आपको तो पता है ना भाई, नेता हो या अभिनेता, अपनी गलती कोई नहीं मानता, लेकिन इसकी गलती के लिए इसे और इसके आदमियों को मैंने अंदर कर दिया है। शाबाश बेटा, तू जो भी काम करेगा बिल्कुल सही करेगा, मुझे पता है। लगे रहो बच्चा, लगे रहो। वो गौड को अगर असलियत का पता चला तो क्या हमें जीने देगा सर? अबे खजूर, इसी को तो कहते हैं खाकी राय। नहीं समझा तो उतार दे ये खाकी। चल चल अंदर चल 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 चल। वाह वाह वाह, क्या साफ सुथरा बार है, बहुत अच्छा डेवलप किया है। क्या मामा जी, बार बोल के पुलिस स्टेशन ले आए? अरे पगले, बाहर में शराब पिया तो रेगुलर, घर में पिया तो कॉमन, गली में पिया तो रूटीन, पुलिस स्टेशन में पिया तो वैरायटी। बेटर यस। क्या डर लग रहा है? तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वेटर, जॉनी वॉकर का खंबा लेकर आओ और जल्दी वापस आना। हाँ, एक ही खंबा वो नहीं पिएगा। मैं नहीं पी रहा, शनिवार इसलिए। या सुना, चल। क्या और कुछ चाहिए? वो हाँ, वो मेरी आइटम है, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट? तुझे हाँ, पसंद है? बहुत खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत। खर्चा होगा, पैसे की कोई चिंता नहीं। चिंता नहीं ना, तो ठीक है। तूने समझ क्या रखा है? इसमें हिम्मत की क्या बात है? पिछली बार 10,000 दिए थे ना। 25,000 बोला ना देंगे। क्या वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? लास्ट टाइम 10,000 में मान गई थी ना ये। अभी 25,000 देंगे बोला था। क्यों भाई, डंडा दिखा रहे हो, मारोगे क्या? उखाड़ेंगे। उखाड़ोगे क्यों बे? पुलिस स्टेशन आके हमसे दारू मंगवाएगा तू? क्यों भाई, पिछली बार आप ही तो लेकर आए थे। तब लेकर आए थे, आज तुम खुद आए हो। आप ले आओ, मैं आओ, क्या फर्क पड़ता है? साले तू हम लोगों को क्या समझता है, और शादीशुदा लोग बेवकूफ होते हैं? साला ललिता, मरने के लिए इतनी टैबलेट्स काफी नहीं है, मेरे पास चूहे मारने की दवा भी। भाभी मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाने दो। मुझे मर जाने दो। कुछ बोलोगी? MLA का बेटा रवि और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते थे, मगर उसके पिताजी उसकी शादी और कहीं कर रहे हैं। तो तुम अपनी जान क्यों ले रही हो? तो और क्या करूं भाभी? अबे सारे एक बीवी के होते, दूसरी बीवी चाहिए? आपने तो कहा था सर। मैं जो बोलूंगा वो तू करेगा? नहीं करूंगा, माफ करें सर। और छोड़ दीजिए, नहीं माफ कर दीजिए सर। सर 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 सर, लावण्या मैडम आ रही है। Ah
इंस्पेक्टर साहब एक कंप्लेन लिखिए। ललिता नाम की ये लड़की रवि से प्यार करती है, पर रवि के पिता जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं। उसके पिता का नाम गौड़ है, पुलिस चेला नागराज गौड़, इस गांव के एमएलए। क्यों हिम्मत नहीं है? प्यार क्या होता है मैंने तुमसे सीखा है, जुदा होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्यार के लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी से भी लड़ूंगा। एक घंटे में इसकी शादी होगी, आप लोग पंडित जी और सभी गांव वालों को बुला कर लाइए, ये शादी सबके सामने होगी। आप लड़की को तैयार कीजिए। अब कोई गौड़ इस शादी को नहीं रोक सकता, बस खाली अपना चेहरा मत दिखाना। बहुत खुश हो भाई साहब, हम दोनों एक ही जात के, दोनों का एक ही टेस्ट। मैं राजनीति में आपकी बराबरी तो नहीं कर सकता, इसीलिए शादी के लिए मैं मान गया। मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाए तो कम से कम मंत्री का मैं समधी तो बन जाऊंगा। जानते हो मैं तुमसे रिश्ता क्यों बनाना चाहता था? नहीं तो? ताकि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं रहे। मैं भी आपके साथ हो गया तो आपके दुश्मन ही नहीं बचे। रवि मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तू नहीं चलेगा तो तेरे पिताजी हम सबको मार डालेंगे। मेरा अच्छा बेटा है ना, चल बेटा। समझते क्यों नहीं माँ, कितना भी मना कर ले शादी नहीं रोक पाएगा। चल कार में बैठ। आजा। मेरी पसंद की कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, रवि चल उतर आजा। जगपति इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे इसकी पसंद की लड़की से शादी करवाना। ए, भाई को पता चलेगा तो क्या होगा पता है ना? क्या भाई को पता चलेगा? भाई को पता चलेगा चांद सी दिले दिलदार की, देखो और अपने बना दी जोड़ी प्यारी सी। सूरज चांद सी दिले दिलदार की, देखो और अपने बना दी जोड़ी प्यारी सी। नजर किसी की लग जाए ना, सब मिलके ये दुआ करो। सब मिलके रहे सलामत जोड़ी, इनकी खुशियों के फूल खिले जीवन साथी। साथी 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 जीवन साथी बने रहे, साथी साथी जीवन साथी बने रहे। सूरज चांद सी दिले दिलदार की, देखो और अपने बना दी जोड़ी प्यारी सी। की लड़िया ले आऊं, मांग में मोती भर जाऊं। मन मंदिर में दिल में रहता यार रहता। रीत न जाने रीत की बातें, वो तो करे मन मीत की बातें। तुम ले तू और अब्बा, साथी 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 जीवन साथी बने रहे, साथी साथी जीवन साथी बने रहे। सूरज चांद सी दिले दिलदार की, देखो और अपने बना दी जोड़ी प्यारी सी। अटूट है नाता फेरों का,
बंधन है ये जन्मों का, टूट है ना तो फिर बंधन है ये जन्मों का। कुदरत का खेल निराला है, ये मधुर मिलन रुत लाया है। छोट रहा बाबुल का ना बतिया हुई पराई रे, पराई रे। जोड़ी 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 तेरी जोड़ी, तेरी जोड़ी बनी रहे। ए बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उसका मंगलसूत्र तोड़ के मेरे बेटे को लेकर आ जा। भाई, शादी हो गई, आशीर्वाद। गौड के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ते से इतनी भी डरता हो? चुपचाप यहाँ से चला जा गौड, नहीं तो तुझ पर भी हाथ उठाना पड़ेगा मुझे। ए बच्चा, मेरे बेटे ने किसी और से शादी की, इसका दुख नहीं है मुझे। एक बेटे की तरह पाला तुझे मैंने, और तू इस विधवा के प्यार में फंसकर मुझसे गद्दारी कर रहा। गौड़, इस पर से अपना हाथ हटा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। गौड़, इस पर से अपना हाथ हटा। बेटा, ये एक लड़की है। गॉड, ओ माय गॉड, गौड़ ने लावण्या पे हाथ डाला, क्या करूं बताओ? क्या हाथ पैर तोड़ के गंदी नाली में फेंक दूं? तू मुझे मारेगा, उसने बोला। प्यार से समझा तो जान दे दूंगा, वरना तेरी जान ले लूंगा। पति जगपति। अब तू गया बच्चा। गौड़ ने लावण्या पे हाथ डाला, क्या करूं बताओ? हाथ पैर तोड़ के गंदी नाली में फेंक दूं? वरना तेरी जान ले लूंगा। जगपति। आपका दिया हुआ बॉडी गार्ड अब मुझे ही मारना चाहता है। गार्ड, ओ माय गॉड, क्या होता है मैंने तुमसे सीखा है, जुदा होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं।
ये क्या बेटी, तुम अपनी मर्जी से इस गांव में आई हो और अब अपना ट्रांसफर करवाना चाहती हो? हाँ अंकल, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपको इसी गांव में रहना है तो रहिए। ये क्या है सर? मेरी वजह से इस लड़की का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आप नहीं करेंगे, अगर किया तो पति जगपति। फिर से फूल लेकर आया है तू? फील माय लव। मार डालूंगी तुझे। मुझे तो मार डालोगी, मगर मेरे अंदर के प्यार को तुम कभी नहीं मिटा सकती। प्यार नहीं मरता। अरे अगर लोग हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे मालूम है? अगर शाहजहां ने लोगों के बारे में सोचा होता तो ताजमहल के बदले लॉज बनवाता, देवदास बार खोल देता, मगर दारू नहीं पीता। मगर तू मुझसे 4-5 साल छोटा है यार। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाऊंगा। अगर एज प्यार के बीच दरार होता तो सचिन तेंदुलकर उनसे 6 साल बड़ी अंजलि से शादी नहीं करते। अभिषेक भी तो 2 साल बड़ी ऐसे शादी करके ऐश कर रहा है। आज मैं भी आपसे शादी करके हैट्रिक करूंगा। हाँ? तेरे पास तो हर सवाल का जवाब है, इसीलिए तो फील माय लव। ठीक है, अगर तू मुझसे इतना ही प्यार करता है तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। कहाँ करते हैं शादी, हॉलैंड या न्यूजीलैंड? मदरलैंड में ही करते हैं, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे आप मेरा साथ दोगी तो किसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरा नसीब बहुत अच्छा है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा है। अच्छा, ए चंद्रमौली, भास्कर, वेंकटेश राव, आओ सबके सब। पिछले महीने की 30 तारीख को इसी जगह पर मुरारी नाम का एक आदमी मर गया था, मार डाला गया था। उसे देखने वाले गवाह तुम सब हो, ओके? नहीं नहीं साहब, हमने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मेरे आगे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच्चाई मैं अच्छी तरह जानता हूं। डरने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा वो खूनी है पति जगपति, पुलिस चेरला पुलिस ऑफिसर, वो मैं ही हूं। अपने अपने दस्तखत करो। एक महीने में केस कोर्ट में आ जाएगा, तभी तुम लोग आकर मेरे खिलाफ गवाही दोगे। ये सब क्या है सर? कानून किसी का रिश्तेदार नहीं है, उसका काम वो करके रहेगा, उससे कोई भी नहीं बच सकता। क्या लग रहा है भाभी? उन्हें प्यार के नाम पर धोखा देकर गलती की, ऐसा लग रहा है उन्होंने मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं किया। वो मेरे कारण इतने बदल गए, मगर मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत दुख होता है। ललिता, तो क्या आपको उस पर रहम आ रहा है या फिर उससे प्यार हो गया है, बोलिए। लावण्या, क्या हुआ बेटी, जवाब दिए बिना ही जा रही है?
बेटा तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। एक बात बताऊँ, जिस दिन तुमने मेरी बेटी की शादी करवाई उसी दिन से तुम्हें अपना बेटा मान लिया था। एक भाई की तरह मेरी बेटी की शादी करवाई, अब एक बेटे की तरह लावण्या से शादी कर लो। सड़क पर पड़े पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, उसी पत्थर को मंदिर में रखोगे तो सब लोग पूछते हैं। तेरे पत्थर जैसे दिल को मोम बना दिया लावण्या ने। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, अदाओं के तेरे दीवाने हो गए हम। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, मोहब्बत में तेरे घायल हो गए हम। एक तुम ही तो रहती हो इस दिल के मंदिर में। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, अदाओं के तेरे दीवाने हो गए हम। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, मोहब्बत में तेरे घायल हो गए हम। तेरा यौवन है फुलवारी, मैं बवरा बन के डोलूं। तेरे सांसों की गर्मी से पिघल गए जानम। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, अदाओं के तेरे दीवाने हो गए हम। एक तुम ही तो रहते हो इस दिल के मंदिर। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, मोहब्बत में तेरे बंधन जन्मों का बंधन है। रहना मुझे जहाँ वो तेरे दिल का आंगन है। क्या तूने कह डाला मेरे साथी यार। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, मोहब्बत में तेरे घायल हो गए हम। एक तुम ही तो रहती हो इस दिल के मंदिर। तुम्हारे हैं सनम, तुम्हारे हो गए हम, अदाओं के तेरे दीवाने हो गए हम।
जितना भागना चाहती है भाग ले। तू मुझसे दूर नहीं जा पाएगी क्योंकि तू सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई है। कर ली ना उस नामर्द से शादी, देखा क्या हुआ, हो गई ना विधवा। अब किसी और कमीने से शादी करके फिर से विधवा बनना चाहती है। लावण्या, भगवान ने तुझे मेरे लिए कुरियर करके भेजा है। ए, देख तेरे लिए मंगलसूत्र लाया हूँ। बेटी लावण्या क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कौन है तू, कौन है रे तू? मैं कौन हूँ? मैं लावण्या का मामा हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा। अच्छा, एक विधवा दूसरी विधवा की तरफदारी कर रही है, चलो छोड़ो उसे, ये मेरे लिए बनी है। शराफत से कहती हूँ यहाँ से चला जा। नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए किसी को मारना पड़े या किसी पे हाथ उठाना पड़े तो भी उठाऊंगा। चल हट। Arrest him. Manipal, CI, specially posted to Pulicherla police station. तेरे सीनियर ऑफिसर पे ही हाथ उठाएगा तू? खून निकलने तक मारेगा क्या? इतना बड़ा मर्द है तू? ये पेपर क्या है पता है? FIR, पक्के सबूतों के साथ तूने खुद के खिलाफ दर्ज किया हुआ केस। ए, ये पेपर काफी है तेरे साथ 100 वनडे मैच खेलने के लिए। अरेस्ट हिम। या! उससे प्यार करती है तू? वो रॉन्ग है, मैं ही राइट हूँ। चल ये बंधवा ले, चल। रुक जाओ। अरे बाप रे, ये कैसा अन्याय है गॉड! मेरे बच्चे के शरीर पर इतना खून, तेरी ऐसी हालत क्यों हो गई है जानता है तू? अरे बाप रे, ये उससे प्यार करने की सजा है। प्यार करने से पहले कैसे जीता था, शेर की तरह। अब देख तू क्या हालत हो गई है, एक लाचार इंसान की तरह। ए बच्चा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुझे अब भी चाहता हूँ। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा प्यार तेरे लिए मरा नहीं है। हे जगपति, एक बार, सिर्फ एक बार कह दे कि तू उससे प्यार नहीं करता। ए, बोलना कि तू उससे प्यार नहीं करता। प्यार क्या चीज है, मैं इसके लिए जान भी दे दूं। बोल कि तू उससे प्यार नहीं करता। Oh.
इसकी जान जाने से पहले इसकी जान की शादी मणिपाल से करवाऊंगा मैं। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे की शादी करवाई थी इसने, उसको विधवा करके कुमकुम मैया की बेटी से शादी करवाऊंगा, और ये दोनों शादियां यहाँ इसी समाधि पर होंगी, और इनकी शादी का मंत्र इसकी मौत का मंत्र होगा। गॉड, ओ माय गॉड, ये नागराज गौड इस जगपति को मरते वक्त कुछ गिफ्ट करना चाहता है। बोलो क्या दूं इसे, बोलो। हाँ, ओके ओके गॉड, ओके, दिया गॉड, दिया इसे। हे, ये कब्र बंद करके किले मार दो। देख देख तेरे प्यार का हश्र। हे, तेरी और उस लड़की की शादी मैं करवाऊंगा। जल्दी जल्दी ठीक से मिट्टी डालो। हे, जल्दी करो। हे, इस मंडप को लेकर आओ, जल्दी जल्दी। आ जाओ आ जाओ, आओ। रख दो, रख दो। रुक जा लावण्या, रुक जा। अंकल, वाह, क्या नसीब है तेरा, जो तुझे जान से ज्यादा प्यार करता है उसी की समाधि पर तेरी शादी हो रही है। तेरी शादी जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बहू बनना चाहती थी, अब मेरा बेटा ही नहीं इस दुनिया का कोई भी लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। तुझे विधवा बनाऊंगा मैं। ये कचरा तेरे बालों से निकाल कर उसके बालों में लगा। पिताजी ये गलत है। वो बंद रख। जल उतार, उसके बालों में लगा। नहीं। अगर तूने नहीं उतारा तो तेरी माँ के कपड़े बड़े बाजार में उतार दूंगा मैं। उतार, उतार। अब तेरे हाथों की चूड़ियां निकालो और उसे पहना। नहीं। पहना। अब तेरे माथे की बिंदिया निकाल और उसके माथे पर लगा। लगा। ए मणिपाल, जाकर समाधि पर बैठ। ए, जाओ इसको ले जाओ और उसके बगल में बिठा दो। ए रवि, उसके गले में इसके गले का मंगलसूत्र पहना। नहीं पहनाऊंगा। नहीं पहनाएगा। नहीं पहनाएगा। ए रवि, जा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जल्दी जाओ।
पिताजी, ये हैवानियत बंद कीजिए प्लीज। क्या करना? मणिपाल क्या देख रहा है? मंगलसूत्र पहना। अगर असली मर्द है तो जगपति को मारकर मुझे मंगलसूत्र पहना।
इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी पुलिस ऑफिसर ने खुद के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं किया है और गवाहों को खुद के खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं किया। ये वाकई आश्चर्य की बात है। सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम जगपति को दोषी मानते हुए, उसकी ईमानदारी की कदर करते हुए उसे सिर्फ 3 साल की सजा सुनाती है। ये सारा गांव आपको चाहने लगा है, इसी गांव में मैं भी हूं, आपका इंतजार करूंगी। आई लव यू।